अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज सुबह सोशल मीडिया पर मारूफ पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक की मौत की खबरें गर्दिश कर रही थी कि वो एक ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गए हैं, लेकिन क्या इन खबरों में किसी किस्म की कोई सच्चाई है या फिर ये खबरें हैं बेबुनियाद? ये तमाम तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में, लेकिन ये जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। यहाँ अब्दुल रज़ाक ने अपनी मौत की अफवाहों की खुद ही तरदीद कर दी है। मायानाज ऑलराउंडर ने मद्दाहों के नाम एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया है। कौमी टीम के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने एक ट्रैफिक हादसे में अपनी मौत की खबरों की तरदीद कर दी है। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों में बताया गया कि अब्दुल रज़ाक एक ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गए हैं। ताहम लाहौर से ताल्लुक रखने वाले 38 साला ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने इन अफवाहों की खुद ही तरदीद कर दी है। अपने मद्दाहों के नाम सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर जारी करता एक वीडियो पैगाम में अब्दुल रज़ाक ने सोशल मीडिया पर अपनी मौत से मुतल्लिक चलने वाली तमाम खबरों की तरदीद कर दी। अब्दुल रज़ाक का कहना था कि सोशल मीडिया पर यानी वेबसाइट फेसबुक पर एक पोस्ट में ये कहा गया है कि एक ट्रैफिक हादसे में जख्मों की ताब ना लाते हुए अब्दुल रज़ाक चल बसे, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपके सामने बिल्कुल जिंदा खड़ा हूं और तंदुरुस्ती की हालत में खड़ा हूं। जी हां, अब्दुल रज़ाक का ये भी कहना था कि लोगों को सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें फैलाने से कबल थोड़ी सी तस्दीक कर लेनी चाहिए। अब्दुल रज़ाक आजकल सरकारी स्पोर्ट्स चैनल के साथ बतौर एनालिस्ट मुंसलिक है और इस बात का भी अंदिया दे चुके हैं कि वो रवा साल के डोमेस्टिक सीजन में इनएक्शन होंगे, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे एडिशन में बतौर खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए भी अपनी फिटनेस पर काफी मेहनत कर रहे हैं। वो पाकिस्तान सुपर लीग के पहले दो एडिशन में फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली फ्रेंचाइज कोटा ग्लैडिएटर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। याद रहे कि मायानाज ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने 1999 से 2006 तक 46 टेस्ट, 1996 से 2011 तक 265 वन डेज और 2006 से 2013 तक 32 T20 इंटरनेशनल मैचेस में कौमी टीम की नुमाइंदगी की। वो 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली कौमी टीम के भी अहम तरीन अराकीन में भी शामिल थे। जी हाँ, ये थी तफसीलात अब्दुल रज़ाक के बारे में जो कि आज सुबह उनकी खबरें गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पर उनकी मौत के हवाले से, लेकिन उन्होंने खुद इन खबरों की तरदीद कर दी है। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के बारे में अपनी ख्याल के साथ देना नीचे कमेंट सेक्शन में मत भूलिए।